इस मौके पर ट्रैफिक एजुकेशन सेल के इंचार्ज इंद्र मोहन सिंह ने कहा कि वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की पालना करनी चाहिए। कार चालक को सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौके पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के रिसोर्स पर्सन की ओर से स्कूल के अध्यापकों को गाइड भी किया गया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। स्कूल दे विच जो आज प्रोग्राम होया सारे आने प्रिंसीपल साहब ने और सारे मेंबर साहबाना ने रल मिल के करवाया, बहुत सोहना होया। जो भी सुझाव दिते आ डॉक्टर साहबाना ने उन्हां सुझावां ते पहरा देने की लोड़ आ सारे टीचरां नूं। इस तरह ही गांह स्कूल जिहड़ा वा तरक्कियां वल उभड़ेगा। जो सोच सिंह साहब जथेदार बाबा गजन सिंह साहब जी की सी उस सोच के उत्ते पहरा देवांगे। वर्कशॉप्स कराईआं गईआं, एक तो वर्कशॉप सी टीचर नाल संबंधित कि उन्होंने क्लासरूम किस तरह टीच करना, किस तरह पढ़ाना वै, बच्चों किस तरह टैकल करना वै, किस तरह हैंडल करना वै। सो दूसरी वर्कशॉप सी हैल्थ नाल रिलेटिड, जिस विच अज उचेचे तौर पर साढ़े को डॉक्टर अरविंद शर्मा जी MD मैडिसन पहुँचे ने, जिन्हों का तजर्बा 45 to 46 साल का तजर्बा वै जो लोगों विचर रहे ने। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में 29वें वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन हवन यज्ञ के मुख्य यजमान कुबेर शर्मा, नंदिनी शर्मा, जसविंदर कालिया, उषा कालिया ने पवित्र पावन यज्ञ वेदी पर उपस्थित होकर यज्ञ में आहुतियां डाली। यज्ञ ब्रह्म आचार्य पंडित शिवा शास्त्री ने पवित्र पावन वेद मंत्रों से यज्ञ को सम्पन्न करवाया। गुरुकुल करतारपुर के ब्रह्मचारियों ने वेद पाठ किया। इसके बाद आर्य समाज की प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर राजेश सुरेंद्र खन्ना, बलराज मिश्रा, अनु आर्य, सुनीता रानी, खुशबू, श्रुति अग्रवाल, यश राघवेंद्र, अक्षय, पवन शर्मा, हरीश चंद्र, सुरेंद्र अरोड़ा, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, तरुण बाहरी, मित्र गुप्ता, वेद भाटिया, संदीप अरोड़ा, सुमित भाटिया, अनिल कोहली, गौरव आर्य, अमरनाथ, प्रदीप शर्मा, माही, मंजू देवी, गीतिका अरोड़ा, संदीप अरोड़ा, पूनम मेहता, ओम प्रकाश मेहता सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिखों की सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन चल रहे नाभा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बाबा अजापाल सिंह घोड़ियावाला में SGPC के प्रबंध अधीन शुरू किए गए स्कूल के नए सेशन की शुरुआत श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डालकर की गई। इस मौके पर धार्मिक समागम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर विशेष तौर पर पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक प्रितपाल सिंह, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सतविंदर सिंह टोहड़ा और स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि आज ऐसे स्कूलों की जरूरत है जो गरीब तथा जरूरतमंद बच्चों को कम फीस पर उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि SGPC द्वारा शुरू किए गए स्कूल में धर्म के साथ साथ उच्च स्तरीय शिक्षा दी जा रही है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਮ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ICSE ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਉੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, 5,000 ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਜੋਬ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲੈਣਾ ਔਰ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਕਾਲੋਨੀ ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਕੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਮੇਂ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਰੂਪੇਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕੋ ਸੁਣਾਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋਂ ਕਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਕਾ ਰਸਪਾਨ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਕਰਵਾਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਸੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਮਹਾਨ ਬਨਾਤਾ ਹੈ। ਵਹੀ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਜੀਵਨ ਜੀਨੇ ਕਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਕਥਾ ਕਾ ਸ਼੍ਰਵਨ ਕਰ ਉਸ ਪਰ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਵਸ਼ਯ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਅਸੰਖਯ ਭਗਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में 29वें वार्षिकोत्सव ज्ञान ज्योति पर्व एवं संगीतमय श्री राम कथा के दूसरे दिन सिद्ध कथावाचक संदीप आर्य ने यज्ञ की महिमा, ऋषि मुनियों के सुंदर संदेश दशरथ के विषय में और गुरु वशिष्ठ के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। इस कार्यक्रम के दौरान आर्य समाज के मंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया और समाज के प्रधान रंजीत आर्य जी ने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद प्रकट किया। इस अवसर पर राजेश, सुरेंद्र खन्ना, बलराज मिश्रा, अनु आर्य, सुनीता रानी, खुशबू, श्रुति अग्रवाल, यश राघवेंद्र, अक्षय, पवन शर्मा, रजनी सचदेवा, तान्या शर्मा, प्रदीप शर्मा, सुनीता रानी, पवन महाजन, आर्य संगीता, पूनम मेहता, ओम प्रकाश मेहता तथा अन्य नगर निवासियों ने भाग लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
सामान दिया इतना, ले जा भी नहीं पाए, निर्धन को मिली दौलत राजाती हर साए। आज अच्छा मौका है तुझको किसने रोका है, आज अच्छा मौका है तुझको किसने, अरे आज अच्छा मौका है तुझको किसने रोका है, आज अच्छा मौका है तुझको किसने रोका है। जालंधर वेस्ट सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। फगवाड़ा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सुशील रिंकू को पार्टी में शामिल कर किया। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रिंकू का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे पार्टी को मजबूत करेंगे। इस मौके पर भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी लाखों करोड़ों लोगों की पार्टी है, वे बदले की राजनीति नहीं करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि वे जालंधर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बताना चाहते हैं कि वे विकास की, स्कूलों और शहरों को चमकाने की राजनीति करेंगी। उन्होंने कहा कि सुशील रिंकू के अनुभव का पार्टी उपयोग करेगी, जिससे पार्टी और मजबूत होगी। फगवाड़ा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सत्कार योग दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल साहब, पंजाब के बहुत ही जुजालू मुख्यमंत्री आदरणीय सरदार भगवंत मान साहब, आदरणीय श्री राघव चड्ढा जी और दर्जा बदर्जा जिन्हें भी मंच के उत्ते विराजमान सारे लीडर साहबान, अज मैं आम आदमी पार्टी दियां जिहड़ियां पॉलिसीज़ है और जिस शिद्दत दे नाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों की सेवा की है और उस सेवा के बदले जिस तरीके दे नाल पंजाब दे विच एक बहुत बड़ा बहुमत मिलिया, उस तो पहला दिल्ली दे विच भी केजरीवाल साहब की रहनुमाई दे विच जिहड़ी सरकार है बहुत वधिया लोक भलाई लोक हित दे लई जिहड़े जन कार्य जिहड़ी कर रही है, उस तो बाद पंजाब दे विच जिस तरीके दे नाल पब्लिक दे जिहड़े काम हो रहे हैं, चाहे वह एजुकेशन के फील्ड के विच है, चाहे वह हेल्थ सर्विस के विच है, चाहे वह पंजाब की अमन अमान और शांति दे लई जिहड़े उपराले सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, इन सारिआं तों प्रभावित हो के अज आम आदमी पार्टी के जिहड़े परिवार का हिस्सा बन जा रहे हैं। और मेरा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करन दा सिर्फ तो सिर्फ इक्को मकसद है, क्योंकि मैनू जिहड़ी सेवा पंजाब की विरासत दे विच मिली है और मेरा हर संभव प्रयास होएगा कि मैं पंजाब के लोगों की जलंधर के लोगों की सेवा करा और आम आदमी पार्टी जिहड़ी पंजाब दे विच इस वेले तुहाडी पंजाब के लोगों की रहनुमाई जिहड़ी कर रही है, उन्होंने आशीर्वाद नाल चल रही है, उहदा फायदा जिहड़ा जलंधर के लोगों को भी मिले और जिहड़ी पावर है उहदा फायदा हर एक जन जन तक पहुँचे, घर घर तक आम आदमी पार्टी दीआं जिहड़ीआं पॉलिसीआं पहुँचन, उस दिशा के पूरे जोर के नाल काम करांगे
और आम आदमी पार्टी का झंडा आने वाले समय के होर उच्चा करेंगे होर बुलंद करेंगे। और मैं दिल की गहराइयों तो श्री अरविंद केजरीवाल साहब का, श्री भगवंत मान साहब का, श्री राघव चड्ढा जी का और समुची लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि तुसी मेरे उत्ते विश्वास जताया, मैनू पार्टी में शामिल किया और मेरा हर संभव प्रयास होगा कि पार्टी नू नवे आयाम नवी ऊंचाइयों वाले पास लेकर जावां। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब की मीडिया की राजधानी जलंधर शहर, इतों का सारा मीडिया इलैक्ट्रॉनिक प्रिंट तो सोशल मीडिया जिन्हें भी मंचों तुसी रिप्रजेंट करते हो सारे का बहुत निके सदे तुसी पहुँचे हो, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। साड़ी पार्टी के नैशनल कन्वीनर देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जिन्होंने देश के 130 करोड़ लोगों के दिलों के विच एक आस की किरण जगाई है, एक साफ सुथरे प्रशासन की उम्मीद की किरण जगाई है, एक 70-75 साल पुरानी हनेरी सुरंग दे विच एक जुगनू के तौर पर एक छोटी जी चानण मुनारे के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। श्री अरविंद केजरीवाल जी साढ़े सदे से इत्थे जलंधर च पहुँचे ने, उन्होंने मैं असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि काफ़ी पहला इलैक्शन तो पहला काफ़ी बार गरंटियां देने लई टाउन हॉल दे विच कदे इंडस्ट्रियलिस्ट नाल गल करन लई, कदे स्पोर्ट्स दे इंडस्ट्री दे नाल रिलेटड जिन्हें भी व्यापारी से उन्होंने गल करन लई, कदे किसानां नाल गल करन लई इत्थे आउंदे रहे हैं। पर अज का दिन एक खास इस करके महत्वपूर्ण इस करके है कि साडी पार्टी दे विच परिवार दे विच वाधा हो रहा है। आम आदमी पार्टी लखां करोड़ां लोगों की उम्मीदों की पार्टी है। जिस वेले अरविंद जी ने पार्टी बनाई सी तां उस वेले इन्होंने यह कहा सीगा कि असी कोई 20-25, 50 या 100 बंदियां की पार्टी नहीं बनाउणी, दूजियां पार्टियां भी जिहड़े चंगे बंदे ने जे वो देश की सेवा करना चाहते हैं, जे मैं पंजाब कहां कि पंजाब की सेवा करना चाहते हैं तो वो आ जाओ, आप एक बड़ा काफिला बनाइए। जरूरी नहीं कि असी सरकार बन गई तो उस तो बाद असी दरवाजे बंद कर लिए, हजे होर करोड़ों लोगों ने इस पार्टी के आना है। अज बहुत सारे नौजवान 18 साल के हुए होंगे, उन्होंने अज आम आदमी पार्टी का जोड़ा पहली वोट अपनी पाने के हजे सुपने जोड़े पूरे करने ने। सो इस करके जलंधर के जी बाई इलैक्शन आ रही है, सब तो पहला तो मैं मेरे नाल क्योंकि 2014 तो 2019 तक फिर 2021 तक मेरे नाल चौधरी साहब मेरे कोलीग रहे कांग्रेस वालों, मैं परमात्मा अगे अरदास करदा कि उन्हां दी आत्मा नूं शांति बख्शे परमात्मा। एक ऐसे हालातों के बाई इलैक्शन हो रही है पर क्योंकि देश का संविधान है, कानून है कि हर खिते दे लोगों नूं रिप्रजेंटेशन लोग सभा मिलनी चाहिए है। सो बाई इलैक्शन हो रही है, आम आदमी पार्टी एक पोलीटिकल पार्टी, असी जोर शोर न लड़ांगे। और एक खास गल यह भी है मैं मीडिया सामने दसनी चाहना, अरविंद जी पहला मालवे नूं यह माण मिलिया सी संगरूर नूं कि इक्को ही MP सी ते गूंज जिहड़ी सारे पंजाब च ते सारे देश च पैंदी सी ते हुण इह वारी जिहड़ी है वह दुआबे नूं मिलने लगी है। जलंधर तो जिहड़े ने साडी बाई इलैक्शन दे विच कोई जिहड़ी जित होगी तो साडा कोई भी जिहड़ा MP बनूगा वह इक्को ही होगा, पर इन्ना मैं कहना चाहुंदा जिहड़ा भी होगा उहदी गूंज जिहड़ी है वह सारे पंजाब च ते सारे देश च गूंजूगी। आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं सुशील रिंकू जी को अपने आम आदमी पार्टी के परिवार में उनका आज तहे दिल से स्वागत करता हूं। और चौधरी साहब के स्वर्गवास होने पर ये सीट खाली हुई है, अगले महीने जलंधर के चुनाव हैं। मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि चौधरी साहब को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले।
अगले महीने जलंधर का ये चुनाव है और मैं समझता हूँ कि पिछले एक साल में जिस तरह से भगवंत मान सरकार ने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। अभी तक जितनी भी सरकारें आई वो राजे महाराजों की सरकारें थी, परिवारों की सरकारें थी, उनके पिताजी किसी के नेता थे, फिर बच्चे नेता बन गए, बच्चों के बच्चे नेता बन गए। पहली बार एक सरकार आई है जो कि एक आम टीचर का बेटा पंजाब का मुख्यमंत्री बना, जिसने खुद बचपन में किसानी की है, उसे पता है कि किसान की क्या समस्या है, पिंड में रहने वाले लोगों की क्या समस्या है, एक आम आदमी की क्या समस्या है, एक जब युवा होता है वो बेरोज़गार होता है उसको रोज़गार के लिए क्या करना पड़ता है। पिछले एक साल के अंदर जितने निर्णय लिए गए, जितने काम किए गए, उसके अंदर एक आम आदमी की वेदना की झलकी मिलती है। हम बिजली भी फ्री कर रहे हैं, बाकी किसी पार्टी को सपना भी नहीं आया कि बिजली फ्री करनी चाहिए। हम बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं, हम कच्चे एम्प्लॉयज़ को पक्का कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब ये सारे एम्प्लॉयज़ पानी की टंकियों पे मिलते थे, अब वो नज़ारे बंद हो गए हैं पंजाब के अंदर। किसानों की फसलें अगर बर्बाद हो जाती है तो खेतों के अंदर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सबसे पहले नज़र आते हैं, सबसे पहले उनके मुआवजे का ऐलान किया जाता है, उनको मुआवजा दिया जाता है। ढेर सारे स्कूल बन रहे हैं, अब अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, लोगों को फ्री में दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। आज सीएम की योगशाला का उद्घाटन किया गया। बहुत सारे निर्णय पिछले एक साल में लिए गए और ये दिखाता है कि पंजाब अब सही तरीके से तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है और आने वाले टाइम में इसी तरह से और भी बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जलंधर के लोग इस सीट को हमें भारी बहुमत से जिता के हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और ये सीट हम लोग अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बरनाला जिला प्रशासन ने राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के लाभ के संबंध में पहुंच नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का विमोचन पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथेयर, आप विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी, विधायक लाभ सिंह गोके, डीसी बरनाला पूनम दीप कौर ने बरनाला में आयोजित एक समारोह के दौरान किया। सरकारी योजनाओं का लाभ पूरे पंजाब में लोगों तक पहुंचाने के लिए बरनाला प्रशासन ने पहल की है। कैबिनेट मंत्री मीथेयर ने जिला प्रशासन की इस पहल की काफ़ी सराहना की है। वहीं डीसी बरनाला पूनम दीप कौर ने कहा कि 50,000 किताबें छप चुकी हैं जिन्हें लोगों में जागरूकता लाने के लिए पंचायत, यूथ क्लब, स्कूल, सांझ केंद्र, सेवा केंद्र सहित हर सार्वजनिक स्थान पर बांटा जाएगा। डीसी बरनाला ने कहा कि जब उन्होंने गाँव का दौरा किया तो उन्हें लोगों में सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने इस तरह की एक किताब बनाने के बारे में सोचा। वहीं ये किताब पंजाबी में छपी है जिससे आम लोगों को योजनाओं की जानकारी आसानी से हो सकेगी। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। देखो जी, ये बहुत वधिया उपराला साडे मानयोग डीसी मैम ते सारा जिहड़े इहनां दी टीम है उन्होंने किया, तो मैनूं खुशी है कि बरनाला जिला इस तरह का इनिशिएटिव लैण वाला पहला जिला बनया, क्योंकि बड़िया स्कीम जिहड़ियां हुंदियां ने उह जिहड़े लोग हुंदे आ जिहड़े उस लैण दे लाभ लैण दे हकदार हुंदे आ उन्हां नूं कह लो अवेयरनैस की घाट करके, प्रॉपर जानकारी ना होण करके उन्हां तक जिहड़ियां स्कीम जिहड़ियां पहुँचदियां नहीं। हुण तुसीं क्योंकि मतलब कि मैं मंत्री हाँ, दूजी वार का विधायक हाँ, मैनू भी लगता कि सारिया स्कीम जिहड़ियां पंजाब चल दियां ने मैनू भी नहीं पता हूँ। तो जिहड़ा एक आम व्यक्ति है जिहड़ा पिंड च रहिंदा है ना, जिहड़ा कह लो भी शहर च भी मैनू लगता भी कदे दिवाली नूं जां किसे त्यौहार ते आउंदा, उहनूं मैनू लगता कि वह बड़िया स्कीम तों जिहड़ा वांझा हैगा ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 50,000 ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਲੋਕ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ
जिहड़े आ मतलब कि जो पंजाब सरकार दे सेंटर सरकार दी जो भी सहूलत हर कोई किसी वर्ग नूं मिल सकदी आ किसी व्यक्ति मिल सकदी आ वो सारियां विच असीं इनकलूड जिहड़ियां ने वो कीतियां गईआं ने। जो असी अज बुक लॉन्च की है पहुँच इसका मुख मकसद है कि लोगों तक जिन्हिया भी सरकारी स्कीम ने वो उन्होंने बारे जानकारी दी जाए कि स्कीम का नाम की है उस स्कीम का पूरा वेरवा की है तो उसके अंदर की लाभ मिल सकते हैं किसी व्यक्ति को कौन कौन वह बेनीफिशरी हो सकता है तो की वो दस्तावेज जड़े ने लुड़िंदे ने उदा वेरवा दिता गया तो उसनु अप्लाई करन दी जो विधि है उदे बारे भी असी जानकारी दिती है। साड़ा मुख मकसद ये है कि बरनाला जिले के जिन्ने भी लोग ने इस बुक नु पढ़न ते एदा जो है लाभ उठा सकन। राम तीरथ मन्ना ने नगर सुधार ट्रस्ट बरनाला के अध्यक्ष का पदभार संभाला। चेयरमैन राम तीरथ मन्ना के ताजपोशी समारोह के मौके पर कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर, विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी, लाभ सिंह उगोके के अलावा बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के वर्कर मौजूद रहे। मीथियर और आप विधायकों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा आम घर के बेटों का सम्मान किया है, इसी वजह से बरनाला के एक आम घर के युवा और पार्टी के लिए मेहनत करने वाले एक आम कार्यकर्ता को चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बरनाला शहर को स्वच्छ व आदर्श शहर बनाने में चेयरमैन से काफ़ी उम्मीदें हैं। चेयरमैन राम तीरथ मन्ना ने अध्यक्ष पद के लिए पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी सरकार का धन्यवाद किया। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। देखो मैं जिथे मेरे वड्डे भरा आम आदमी पार्टी के बहुत मेहनती ग्राउंड के जेडे वर्कर ने मैं जिथे राम तीरथ मन्ना जी नूं उन्हां दे परिवार नूं साडी सारी टीम नूं वधाई दिंदा उत्थे मैं पार्टी लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी का पंजाब दे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का ते समुची लीडरशिप का मैं धन्यवाद करता कि जिन्हां ने इदां दे साडे जिहड़े ग्राउंड ते काम करन वाले जिहड़े साडे वर्कर है साडे लीडर है उन्हां नूं जिम्मेवारी जिहड़ी है ये दित्ती है। ये आम आदमी पार्टी है जिथे मतलब के आम घरां दे पुत्तां नूं जिहड़ियां जिम्मेवारियां मिलदियां ने और किसी पार्टी की सरकार हुंदी इत्थे कोई पहली बार तो पंजाब च कोई सरकार बनी नहीं पहला भी बनदिया रही तुसीं देखिया कि बरनाले चेयरमैनियां प्रधानगियां किस तरह मिलदिया रही। देखो सब तो पहला मैं साडे हाईकमान अरविंद केजरीवाल जी का सरदार साडे सीएम भगवंत मान जी का मेरे छोटे वीर मेरा सियासी गुरु मैं इनू अपना सियासी गुरु भी मानता क्योंकि बहुत इन्हों तो बरीकियां मैनू सीखने मिलया साडे MLA कुलवंत सिंह जी पंडोरी मेरा छोटा वीर लाभ सिंह जी उगोके इन्हां दे सदके जो मैनू एक परख दे नाल देखिया देखो कम सारे वर्करां ने कीता वधिया कीता चलो मैनू उन्हां दे विच कुछ सारिआं नूं खास लग्या मेरे दे विच जो मेरे ते इन्हां ने एडा वड्डा मैनू माण बख्शिआ देखो बहुत वड्डा अहुदा गा बहुत वड्डी चेयरमैनी आ ते जिन्ने माण नाल इन्हां ने मैनू इह दित्ती आ मैं इन्हां नाल वादा करदा गा मैं कदे अपने चरित्र ते अपने ते अपनी पग ते कदे दाग नहीं लगन दूंगा अपने दिन रात एक करके इस ट्रस्ट नूं दे लई मैं दिन रात एक करके मेहनत करके इस नूं कामयाबी वल लेके जाऊंगा। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मथुरा नगर सोडल रोड जालंधर में 36वां वार्षिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में बड़ी ही धूमधाम से किया गया जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक श्री अमृत लता दास देवाजी महाराज दीनानगर वालों ने सभी भक्तों को प्रभु की लीलाओं को दर्शाती कथाओं को सुनाकर मंत्रमुग्ध किया। इस कथा की अध्यक्षता करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मथुरा नगर सोडल रोड जालंधर के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत सिया शरण दास जी महाराज ने बताया कि यह कथा 3 अप्रैल से आरंभ हुई है और 9 अप्रैल को रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी जिसमें सभी परिवार सहित पहुंचकर इस कथा में भाग लें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। Thank you.
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के रोज एनक्लेव इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत, 4 घायल। नाभा ब्लॉक के गांव अगेता में सड़क हादसे में एक नौजवान की हुई मौत, पारिवारिक सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल। जालंधर के इलाहाबाद बैंक में रुपए जमा करवाने आए बुजुर्ग व्यक्ति से नौसरबाज ने की ठगी, 4 लाख रुपए की नकदी लूट हुआ फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।